शुरू किया जाए। सो तापसी सेकंड ईयर हो, लास्ट ईयर मुंबई बेंगलुरु पुणे हर जगह आपने जाके इस रन को एंजॉय किया, व्हाट वाज द हाईलाइट फॉर यू? हाईलाइट ये था कि द डीजेस, द स्टार डीजेस, आई हैव बीन टू मैराथॉन्स बिफोर, बट वो जो कांसेप्ट ऑफ गेटिंग अ स्टार डीजे टू गेट पार्टी लवर्स मोर इन्वॉल्वड इन समथिंग रिलेटेड टू फिटनेस, यू नो, एट दैट आवर, इट्स अ रियली कूल कांसेप्ट टू गेट अ स्टार डीजे। सो आई रिमेंबर मीटिंग अकील there and I was pleasantly surprised and he was like, hey, if I would have known, I would have gotten some cool tracks mixed for you, your tracks. So I was like, hey, next time, you know, I think I will be coming again. So I'm hoping he'll be having good mixed tracks for me this time. I am certain about that he's going to be having some great mixed tracks for you, but हमारे पास भी एक ट्रैक है जो हमारे ही मिर्ची नियॉन रन का थीम है, क्या उसे लॉन्च किया जाए? म्यूजिक भी होगा, नाच भी होगा एंड गाना भी होगा, सो लेट्स गो फॉर इट, शैल वी? तापसी, बिफोर हम शुभारंभ करें, जरा आप बताइए कि मिर्ची नियॉन रंग जो है आपके लिए, मतलब व्हाई, व्हाई डिड यू इवन चूज टू बी एसोसिएटेड विद दिस? लास्ट ईयर जब आए थे मेरे पास इस कॉन्सेप्ट को लेके एंडोर्स करने के लिए, एक तो ऑलरेडी फॉर सम गुड रीजन एनीथिंग रिलेटेड टू फिटनेस कम्स टू मी, और स्पेशली रनिंग, या एनीथिंग रिलेटेड टू रनिंग हैज टू कम टू मी, तो या सो एक तो वो रीजन था कि मैंने कहा चलो अब तो मतलब ऑफिशियल टैग लग रहा है रनिंग का मेरे ऊपर, बट दैट अपार्ट फ्रॉम दैट ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो मैराथन उस टाइम पे होता है डॉन टाइम पे, मतलब जब सुबह अभी चढ़ रही होती है, अभी ये डस्क टाइम पे जब रात हो रही है उस टाइम ये मैराथन हो रही है, वो भी पार्टी मोड के अंदर जहाँ पे मतलब आफ्टर पार्टी आफ्टर मैराथन, विच इज लाइक आई गॉट लिटिल इंट्रीग्ड कि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहाने मारते हैं कि सुबह उठ के नहीं आ सकते, यू नो, इट्स टू अर्ली, उससे अब तो मतलब सोने का टाइम है, सो या सो एग्जैक्टली उन लोगों के लिए अब कोई बहाना नहीं है, क्योंकि एक तो उनके कम्फर्टेबल टाइमिंग पे है, दूसरा आफ्टर पार्टी पे आने को मिलेगा एकदम खाना पीना होने वाला है आफ्टर पार्टी में, एंड ऊपर से तुम्हारे बड़े नियॉन ग्लो इन द डार्क कूल स्टफ पहन के भागो, मतलब इट शुड बी लाइक अ कूल मैराथन, सो मतलब ये भी इंटरेस्टिंग है, सेमी पॉइंट बन जाता है वो, मतलब इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग वे ऑफ मेकिंग मैराथन फन, सो दैट्स व्हाई आई थिंक आई गॉट इंटरेस्टेड एंड आई डिसाइडेड चलो करते हैं। हमको ये खुजली क्यों लगी थी मिर्ची को नियॉन रंग करने की? बहाने बहुत मारते हैं एंड जनरली इन इंडिया देयर इज अ मिलियन ऑफ रनिंग पॉपुलेशन, बट there are so many others who always say that I am a couch potato and I love to be like that. So abhi ek to run aa gaya in the evening and this is along with party, so runners who want to have fun or people who don't want to run but go for party is for everyone, so that's why we are coming to 21 cities jahan pe aur bahane nahi chalenge, 21 city matlab pura India cover ho gaya. Perfect, thank you so much. And questions, she's absolutely open for questions right now, you know? Yeah. Please feel free. Yes, guys, abhi achhe se sawal puchna please. Mobile silence pe rakhne ke baad? Please, baat karte karte ke baad puch lo, aise to baat nahi hai. What time hai yaar? Matlab, main itni night person nahi hu, main thodi si night person hu. Taki how much do you स्टोरी है स्प्रिंटर की, तो आई गेस ऑफिशियली अब मैंने कहा किसने सोचा होगा इतना
हर पिक्चर में भागी उसको भागने वाली पिक्चर ही जरूरत है इट इज लिटरली गोना बी माय चेस्ट नंबर तापसी सो आई गेस इस अब ये फिल्मों के अंदर मैराथन रनिंग हो रही है ऑफ फिल्म्स तो नहीं हो पाती पहले नहीं करी थी अभी भी नहीं कर पाई बट रनिंग जनरली इज वन थिंग दैट इज द इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट यू कैन डू इफ यू आर नॉट इनटू टू मच ऑफ वर्कआउट आल्सो सो या हाय तापसी हाय I'll give you my mic. Yep. Hi, this is Sakshi from E24. First of all, congratulations for Santhiya. Thank you. मेरा सवाल आपसे ये है कि यू नो रिसेंटली आपने बदला की सक्सेस के ऊपर ये बात कही थी कि हालांकि आपका रोल ज़्यादा था लेकिन अमिताभ सर को ज़्यादा क्रेडिट मिला और उस बात पर आपको काफ़ी ट्रोलिंग खेलनी पड़ी देखो जनरल लाइफ में काफ़ी ट्रोलिंग करने का मौका देती रहती मैं लोगों को हाँ नहीं मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको लगता है क्योंकि आप एक फीमेल आर्टिस्ट हो और आपने ऐसा बयान दिया इसलिए लोगों ने आपको ट्रोल किया कि आपकी सक्सेस का मतलब आपकी सक्सेस की वजह से आप ऐसी बातें कर रहे हैं आपको लगता है कि अगर आप मेल स्टार होती और आप ये सेम बात कहती तो आपको ये सेम फीडबैक मिलता नहीं इतना डिफरेंस नहीं होता बट थोड़ा डिफरेंस होता है कि फिर फीमेल पीपल थिंक कि उनका तो हक है तुम्हारे को ठीक करना तुम्हारे को सही बताना क्योंकि अगर लड़की को ज़्यादा नहीं पता इसको बताते हैं हम इसकी जगह वो वाली बात होती है ना जो वो इनबिल्ट है हमारे माइंड्स काफ़ी लोगों के माइंड सेट में जो ट्विटर पे दिखती है काफ़ी बट ऑनेस्टली दैट वॉज ऑल्सो बिकॉज माई स्टेटमेंट वॉज इंटरप्रेटेड एंड रिटन इन अ वेरी रॉन्ग वे बाय अ लॉट ऑफ मीडिया पीपल देयर व्हिच आई वॉज नॉट रियली हैप्पी अबाउट बिकॉज मीडिया हैज जनरली बीन नाइस टू मी मोस्ट ऑफ द टाइम्स बट व्हेन दे मिसकोट मी थिंग्स गेट बैकफायर फॉर नो फॉल्ट ऑफ माइंड आई ऑलवेज सेड दैट Well, technically, if you see the number of working days, I did work more than Mr. Bachchan, and that doesn't take anything away from him. Film, he was the protagonist, so was I, or call me the antagonist. But we do share, as actors, we will share the credit of the film, as actors. Otherwise, call it a Joy Ghosh film. My problem was, whenever you address that film, you're only calling it an Amitabh Bachchan starrer. I don't think even the Amitabh Bachchan will be okay with this fact. Because having worked with him twice, I don't know if you realized or no, in Pink, first my name came in the credits and then his later on. Such is the man we are talking about. So it was very weird when people were just waiting to target me because I raised a very pertinent question that why always a film is referred by the male actor's name. It was not for, had it been anyone else in Bachchan sir's position, I would have asked the same question. That why is the female protagonist's name not included while mentioning the name of the film or the success or the failure or anything for that? Obviously, it was twisted like Mr. Bachchan's credit was undue. Well, who said that? I never did that. You interpreted. So that was the reason behind people being upset by the statements printed by someone else, not by me. One more question. During Santhiya promotions, you had mentioned that you know, it's very important for people to watch female-led films. Yes. And now when it's happening. Do you think the producers are ready to put in more money? Like, do you think in the recent future, a movie like War can be made with female protagonists? Because Katrina Kaif also mentioned that it's not at least take a chance first with that budget and then say that oh, female protagonist ki film itne budget mein nahi chalegi, nahi chalegi. Do you think? You see, it will near future. To mujhe doubtful hai, honestly. But with the way things are happening. मे बी थोड़ा सा फ्यूचर में आगे जाके हो सकती है इट हैज़ इम्प्रूव क्वाइट अ लॉट लेट्स जस्ट से दैट बिकॉज द नंबर ऑफ गर्ल्स टेकिंग द स्टैंड एंड लीडिंग द फिल्म नॉट बॉदर्ड अबाउट नाउ हू द हीरो इज हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट आई मीन नंबर ऑफ गर्ल्स स्टेपिंग इनटू दिस सिचुएशन हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट सो ऑब्वियसली उसकी वजह से सक्सेस रेट फिल्में ज़्यादा बन रही है उस तरह की फिल्में ज़्यादा बन रही है तो लोग धीरे धीरे ज़्यादा देखने जा रहे हैं एंड इफ द फिल्म इज गुड एंड इट वर्क्स And the producers earn profit, they, you know what happens, when one female protagonist film becomes a success, it gives rise to at least 10 more female protagonist films. That's what it does. So, if it's not mine, it can be anyone else's, but I'll celebrate equally. Because I know, because of this, there'll be 10 more producers ready to bank their, or put their money on a female protagonist film. Which has been happening is why the number has increased so much. Yes, the budget is not as much. We are always being told that, you know, female protagonist film hai, toh apna budget kam kar lo, please aise kar lo, waise kar lo. Wo hoga for time ke liye. But hoping things will change, and that will happen only when people step into the theaters and watch our films. Any mention your own questions, people? Isse pehle
ये लोग बोलते कि इसको भगाओ, इससे कोई हमारे क्वेश्चंस तो पूछ ही नहीं रहा है. Okay, I have one last question, but sorry, it's not related to Mirchi, but I'll still ask. So in the recent past, which movie do you think has really stood out for you when it comes to female-led films? Which one did you really like? This year? This year, yeah. Apart from yours, of course. Then it will be difficult to choose. I'm sorry, I'm being very honest about it. If you're talking about the female-led films, yeah, it'll be difficult to choose. I'll just say that. I can be very immodest and again misquoted by people here, but I mean, yeah, that's all. Thank you. Thank you. Any other questions? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Photo. Yeah. I think you're around, but yeah, I'm not going to be here. This is not going to be here. I'm not going to be here. I'm not going to be here. Tension, but look. इसके स्क्रीन क्या इसका कैमरा देख मोबाइल ओ मैडम वो फोन फोटो नहीं हो उनका तो बंद ही नहीं हुआ है. हाँ, बंद ही नहीं कर रहे. हाँ, चलो.